So hello guys, welcome back to another vlog, baby. Welcome to the new party, baby. ब्लॉग थोड़ा सा स्पिरिचुअल है क्योंकि आज हम जा रहे हैं गिरिधारी धाम। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं आज गिरिधारी धाम, जहाँ मतलब मेरी मौसी, बड़ी मौसी जो है उनके घर के पास है, मतलब घर के साथ ही है। हम बहुत दिन से जाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब लास्ट टाइम हम 3-4 महीने पहले गए थे और आज हम जा रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे चल रहा है महोत्सव, गिरिधारी धाम महोत्सव हर साल होता है और हर साल मैं जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन इस बार हुआ है, जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला और आज छुट्टी है स्कूल की भी और अभी हम जा रहे हैं। ये टीका देख रहे हो, अभी अभी मैंने पूजा कंप्लीट की है, पूजा करके उठाऊं और लोग जाते हैं शाम को, सुबह घूमने चलते हैं और हम जा रहे हैं दोपहर को, दोपहर के 1 बजे। और सुबह सुबह प्रसाद देते हैं सबको, बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब हजारों लोग जाते हैं प्रसाद पाते हैं, लेकिन हमें भी चाहिए था लेकिन शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि 12 बजे तक खत्म हो जाता है सब कुछ। तो अभी जाके बस कीर्तन देखेंगे और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। मम्मी ऑलरेडी जा चुकी हैं, मैं और भाई अभी जा रहा हूँ और चलते हैं, देखते हैं, महोत्सव है, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। लेट्स गो। तो ये अनुष्ठान करीब पिछले हफ्ते से चल रहा है, मैं जा नहीं पाया क्योंकि स्कूल था। तुम्हें पता है स्कूल के लिए मतलब बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है मेरे से और अभी मौका मिला है तो आज छोड़ने का नहीं बेटा। मैंने सुना है कि बहुत मजे होते हैं वहाँ पे, मतलब कीर्तन होता है, पाठ होती है, पूजा होती है, श्रृंगार होता है, मतलब वो सब देखने में बहुत मजा आता है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस बार कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ मिल जाए देखने को। আমাদের গাইড আবি হম প্রস্থান কর রহে গিরিধারী কে লিয়ে বোঝা রে এই দিকে বৃন্দাবনের কথা মনে ये आना नहीं चाह रहा था, इसको हम जोर करके लेके आया। यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है। किस्मत देख रहे हो भाई साहब, इतनी लेट करके आए फिर भी लिखा था इस पे। देखो पैक हो चुका है ये, अभी इसको फेंकने चलेंगे। चल चल, हमने पा लिया है प्रसाद। लाइक हमें लग नहीं रहा था कि हमें मिलेगा लेकिन फाइनली मिला। गिरिधारी जी का मंदिर यहाँ पे और यहाँ पे है बूढ़ी माँ हमारी। तो ये है श्री विष्णु जी के सारे रूप, बैठ चुका है मोटा प्राणी, खाने के बाद ये चल नहीं पा रहा था। भुझको, भुझको। ये क्या है? क्या है? दिने कत लोग आसे तो और कत लोग खावा दावा करे पड़ते? ये पूरा गिरिधारी के जगह भाई।
ये है रसोई घर गिरिधारी का, ये देख रहे हो भाई, ये कढ़ाई, हजार डेढ़ हजार लोगों की एक साथ पकाया जा सकता है खाना यहाँ पे। वाओ, मैं फिर से प्रसाद मिला, मुझे ये कढ़ाई फिर से देखनी है। यहाँ पे दो आदमी तैर सकते हैं, इतना बड़ा कढ़ाई है। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा होगा, पर तुम अगर सामने से देखते तो घबरा जाते एकदम। ये चूल्हा देखो भाई, तो इसका कहना है यहाँ पे खिचड़ी रखा जाता है, ये पूरा जो दिख रहा है तुम्हें, अभी नहीं है बाद में होगा, ये सब्जी सब यहाँ पे। और ये गंदा मुंह, तो ये था रसोई घर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ से निकल के सीधा कथा वाली जगह। एक गोटा टाइम अच्छा ये गिरिधारी, हाँ पूरा एरिया गिरिधारी का है भाई। और ये है कथा पंडाल, कथा ऑलरेडी चल रही है वहाँ पे। यहाँ पे पूरे लोग भरे हुए होते हैं शाम को, अभी नहीं है क्योंकि अभी दोपहर है। अब ये सब मेरे गार्ड ने बताया मुझे, मुझे कुछ पता नहीं था। ओहो गंदा मुंह। बाय 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 बाय। प्राइसेस आर दुई একটি গাছ আছে তাই পাঁচ এ হচ্ছে প্লিজ মাচা ভাই ডোন্ট গো প্লিজ প্লিজ ডোন্ট গো। আরে বাস কর ভাই, ये अभी निकल रहा है घर के लिए, मुझे भी जाना था पर मुझे लेके नहीं जाएगा ये, और मैं जाऊंगा एकदम मंदिर खुलने के बाद। करीब 4 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद 4 बजे हम गिरिधारी जी को दर्शन करेंगे, उसके बाद मैं और मम्मी निकलेंगे साथ में। तो अभी सीन ये है कि भाई जा चुका है घर, मैं अभी जा रहा हूँ फिर से गिरिधारी आश्रम, मतलब गिरिधारी धाम। अभी मंदिर खुलने में बस 20-25 मिनट बाकी है, मंदिर खुलेगा हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हमें घर निकलना है क्योंकि आज पूर्णिमा है और रात को भोग भी लगानी है घर पे, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते। जैसे ही मंदिर खुलेगा हम गिरिधर जी के दर्शन करेंगे, फिर मैं और मम्मी निकल जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम आया मैं यहाँ पे, और अभी धाम से थोड़ा सा दूर हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया महोत्सव के टाइम पे, मतलब पहले भी आ चुका हूँ लेकिन तब ये उत्सव नहीं हो रहा था, ऐसे ही नॉर्मल दिन था, और आज उत्सव हो रहा है, एक महोत्सव हो रहा है। बिलीव मी, मतलब जो वाइब है यहाँ का ना, मतलब तुम्हें कहीं और पहुंचा देता है, किसी और यूनिवर्स में। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया, इतना शांति और इतना सुकून मिल रहा है, मतलब ठंडक मिलती है दिल को, तो बहुत ही मजा आया। और जैसे कि तुम्हें पता है हमें लगा नहीं था कि हमें प्रसाद मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अंदर जाते ही हमें पहले प्रसाद मिला, ये मतलब किस्मत है भाई, सच्ची बताओ तो किस्मत है। हमने प्रसाद पाया और घूमे, जिसने घुमाया वो मेरी बहन थी, मतलब मेरी बड़े मौसी की बेटी थी। अभी बस मंदिर खुलने की वेट है क्योंकि अभी भगवान को रेस्ट के लिए रखा है, शयन के लिए रखा है, अभी मंदिर खुलते ही हम दर्शन करेंगे। चलो अभी धाम वापस चलते हैं, मतलब मौसी के घर चलते हैं, और फिर देखते हैं मंदिर कब खुलता है, मंदिर खुलते ही दर्शन करेंगे फिर घर भी लौटना है। पवित्र हो गए ये जगह एकदम, यहाँ पे देखो पूरे खेत खलियान ग्रीनरी, और इस तरफ है धाम। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, और अभी जहाँ पे धाम है वहाँ पे लाइक पहले जंगल हुआ करता था, मतलब कुछ था नहीं, और अभी देखो भगवान जी के श्री जी के पैर पड़ते ही वहाँ पे धाम बन चुका है। तो इस रास्ते से सीधे जाके सामने बोर्ड दिखेगा गिरिधारी धाम का, फिर अंदर जाते ही तुम्हें मिल जाएगा। बहुत लोग आते हैं भाई साहब, बहुत लोग। अभी अभी बहन ने बताया कि यहाँ पे दिन में 1.5 से 2 हजार लोग आते हैं यहाँ पे, और रात को तो और भी ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम रात को यहाँ पे ठहर नहीं पाएंगे, हमें निकलना पड़ेगा। ये देखो जगह भाई, तो सारे पांच ये देखो बाबा बाबा। वाह, तो मस्त तिलक लगा दिया बहन ने मेरी, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है ये तिलक ब्रो। और अभी टाइम है घर जाने का, 5:30 बज चुका है,
अभी चलते हैं मंदिर। मैं सो गया था लिटरली, तो इसीलिए लेट हो गया। मतलब 4:30 बजे तक मुझे जाना चाहिए था, अभी 5:30 बजे है, तो अभी चलते हैं मंदिर, फिर वहां से आके घर के लिए रवाना होंगे। चल बोल टाटा। हाय टाटा बोल। टाटा टाटा इधर है। टाटा बोल। बोल टाटा टाटा। ओह यार था गिरिधारी धाम महोत्सव गाइस। तो बहुत दिन बाद गया और बहुत अच्छा फील किया, बहुत मजा आया उस जगह को। मतलब पहली बार देखा, तुम्हें पता ही है जो भी कुछ है, तुम्हें ब्लॉग में दिख गया, सुन लिया होगा। एंड कभी टाइम मिले तो एक बार घूम के आना, ज्यादा दूर नहीं है वैसे, बहुत मस्त जगह है, चिल जगह है, तो मजा आएगा। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, क्या करूं, थोड़ा सा मतलब बिजी वाला शेड्यूल चल रहा है अभी, लेकिन आएगा बहुत जल्द रेगुलर वीडियोस। बस यही है आज का वीडियो, ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है, सब कुछ तुमने देख लिया सुन लिया, और खत्म करते हैं वीडियो को भी। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल पे सेट करना, और मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। और चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।